उधर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और साथ ही पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जयराम सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बता दें आपको कि रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात बोलती है, लेकिन जयराम सरकार के कुछ नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इन सभी नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, सभी को बचाने में जुटी हुई है। साथ ही रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर में पशुपालन विभाग की जमीन से जुड़े मामलों को लेकर सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जमीन से जुड़े मामलों में बीजेपी पार्टी के कई नेता शामिल थे, लेकिन पार्टी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विधानसभा के अंदर और बाहर ऊंचे स्वर में बातें करी, उसके बाद क्या हुआ था, केस जो है वो विजिलेंस को दिया गया। अभी जो थाना सदर है, थाना सदर के अधीन कोठीपुरा में जो एनिमल हस्बेंड्री की जगह थी वहाँ से खैर कटे, खैर जो है वो सीज भी हुए, वहाँ पे कोई चौकीदार और कोई जो मुंशी जो है वो ठेकेदार के चार आदमी और दो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी थे,